इंदौर में मासूम बच्चे की आंख की रोशनी छीनने वाले सेवालय हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार ने पूरे मामले की शिकायत सीएमएचओ से की थी, जिसके बाद जांच रिपोर्ट आने पर पंडरीनाथ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामला इंदौर के पंडरीनाथ थाना क्षेत्र का है। पंडरीनाथ थाना क्षेत्र में मौजूद सेवालय हॉस्पिटल में चंदनगर क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद उमर की पत्नी मंजुला मंसूरी को लेबर पेन होने के कारण भर्ती किया गया था। वहीं हॉस्पिटल में जब डॉक्टरों ने गर्भवती महिला की डिलीवरी करवाई तो उस दौरान गर्भवती माँ को अधिक पेन होने के कारण डॉक्टरों द्वारा हाथ डालकर अंदर से बच्चे को खींचा गया, जिसके बाद बच्चे की आंखों में चोट आई और उसके बाद आंखों में इन्फेक्शन हो गया। लगातार डॉक्टरों से लापरवाही की बात कही गई, लेकिन डॉक्टरों ने उनकी एक नहीं सुनी। इसके बाद मामले की शिकायत पीड़ित परिवार द्वारा जिला स्वास्थ्य अधिकारी को की गई। जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पूरे मामले में जांच करने के बाद सेवालय हॉस्पिटल के संचालक विशाल ने डिलीवरी कराने वाली डॉक्टर फरहान के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर मामले में प्रकरण दर्ज करवाया है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद बच्चे की आंख की रोशनी चली गई है और मासूम अभी भी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। डॉक्टर मनोहर सिंह, थाना पंडरीनाथ। हमारे यहाँ एक महिला ने रिपोर्ट की थी, जिसपे डॉक्टरों की समिति गठित हुई थी कि उसने डिलीवरी करवाई थी सेवालय हॉस्पिटल में, तो उसकी डिलीवरी में जो डॉक्टर की समिति बैठी थी उन लोगों ने इनको जो अपात्र महिला डॉक्टर है उसके द्वारा की गई थी डिलीवरी, इसलिए उन्हें कमेटी बिठाई थी। कमेटी का जो निर्णय हुआ हमारी जांच में उसके ऊपर से मुकदमा कायम हुआ है। किस तरह का मामला था, किस तरह के बच्चे को नुकसान पहुंचाया गया? बच्चे के उनके जो डिलीवरी के समय जो बच्चे को इंजेक्शन वगैरह जो भी दिया गया था तो उसमें बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई है, ब्लैक फंगस आ गया है। एफआईआर किसके द्वारा की गई थी? एफआईआर जांच में अपने थाना पंडरीनाथ द्वारा की गई है, जिसमें सेवालय शिकायत आई थी, शिकायत उस पर थाने पंडरीनाथ द्वारा मुकदमा कायम किया गया है सेवालय हॉस्पिटल पे एवं जो महिला डॉक्टर है उस पर मुकदमा कायम किया गया है, और उसमें जो भी अन्य डॉक्टर जो दोषी पाएंगे उसमें धीरे धीरे उनमें धाराएं बढ़ती जाएंगी। सर, कौन महिला है आरोपी जो इसका जिसका महिला का जिक्र नहीं किया जाता, इसलिए वो जिक्र नहीं करेंगे हम। वो आएगा तो आपको बता देंगे उस टाइम पे। जैसा भी 337-338 अभी मुकदमा कायम है भारतीय दंड संहिता। हॉस्पिटल सील करने के लिए भी कुछ आगे कार्य जो भी वरिष्ठ अधिकारी बताएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सीएमएचओ ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि डॉक्टर्स की डिग्रियों की भी जांच बारीकी से की जा रही है और दोष साबित होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बच्चे का मामला आया था डिलीवरी के दौरान उसकी आंखें गई, क्या है पूरा मामला सर? इसमें एक हॉस्पिटल था, सेवालय हॉस्पिटल, उसमें एक डिलीवरी के लिए महिला गई थी मंजुला मंसूरी करके, उमर मंसूरी करके, उनका पहले भी ट्रीटमेंट चल रहा था क्योंकि उसकी जो डॉक्टर वहाँ पर थी BUMS डॉक्टर थे और उनका कोई इलाज उनका पहले से कंटिन्यू चल रहा था। जो डिलीवरी के समय भी उनको ना उनका कहना पड़ रहा है कि हम जब गए थे जांच करवाने या दिखाने तब हमें पता नहीं था कि वो BUMS डॉक्टर है या कुछ है, तो उनकी काफ़ी कंप्लेंट रही। उसके बाद पीडियाट्रिक से डॉक्टर को भी नहीं बुलाया और डिलीवरी उन लोगों ने जो है BUMS डॉक्टर वगैरह कैसे करा सकते हैं, ये तो उनकी लापरवाही थी। हमने जाँच भी कराई है हमारी टीम के साथ, हमारे DHO1 वगैरह सब गए थे, चारों ने टीम जाँच कराई। इसके बाद हम लोगों ने वहाँ के डॉक्टर की पूरी डिग्री वगैरह जो भी है संस्थागत उनकी वो डिग्री भी बुला रहे हैं और अब उनकी FIR दर्ज हो गई है। क्या डिग्रियाँ किस तरह से उनकी जाँच पाएगी? बिल्कुल डिग्रियाँ उनके देखे तो उसमें कुछ की डिग्री BMS वगैरह ये है, तो उस तरह की डिग्री नहीं है। डिलीवरी किस कैसे हुई थी, क्या मतलब बच्चे की प्रॉब्लम? बच्चे की डिलीवरी बाद में उसके बच्चे को जो इन्फेक्शन हो गया आँख में, इन्फेक्शन के बाद उसके पास में दूसरे अस्पताल में ले गए और वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट कराया, मगर उसके बाद भी ट्रीटमेंट के बाद भी बच्चे की आँखें ठीक नहीं हुई है, उनकी यही कंप्लेंट है। डॉक्टर द्वारा बच्चे को जबरदस्ती खींच कर डिलीवरी की गई थी, इसलिए वो डिलीवरी तो होती है, वो डिलीवरी की जो भी है उसका जो प्रोसेस रहती है उन लोगों ने किया होगा। डिलीवरी के बाद इन्फेक्शन हुआ है बच्चे को और वो आँख उसकी वजह से लापरवाही की वजह से गई, मगर ये है कि जब डॉक्टर उनको अपने जो डिग्री रहती है अपनी एलोपैथी में जो भी है उसी में डिग्री में अपना काम करते ज़्यादा बेहतर होता है। कौन डॉक्टर, ये क्या नाम है इसका? ये फरहान हुसैन करके डॉक्टर है, उनका डॉक्टर है।
सेवाला हॉस्पिटल। किन लोगों को जो आप द्वारा जो है जाँच की गई थी, किन कितने लोगों पर जो है शिकायत दर्ज करने की? बिल्कुल तीनों चारों लोगों पर शिकायत होगी और जो अस्पताल है सेवाला अस्पताल के जो भी मालिक है जो भी उस पर भी कार्रवाई होगी। क्या सील करने की कार्रवाई कर सकते हैं? बिल्कुल, हम उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी कैंसिल होगा और सील करने की कार्रवाई भी किया जाता है। अभी जो पीड़ित है उसका कहना है कि 5 लाख रुपये का हमने इलाज करवा दिया है, अब ऐसी स्थिति हो गई इलाज नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उसको कुछ आर्थिक सहायता भी स्वास्थ्य विभाग या फिर जिला प्रशासन की ओर से दी जाएगी? स्वास्थ्य विभाग से कोई ऐसी सहायता का वो नहीं प्रावधान नहीं है। अगर उसका आयुष्मान कार्ड होगा तो उसका आयुष्मान कार्ड नहीं है तो आयुष्मान कार्ड बन जाए उसका, और आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत जो भी उसकी जो सेवा रहती है वो उसके उसमें अंदर ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इंदौर से नीरज बोरासी की रिपोर्ट।